शुक्रवार देर रात महाराष्ट्र में एक भयंकर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यहां के बुलढाणा जिले में नागपुर से मुंबई जा रही बस में आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि यात्रियों को बस से उतरने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते बस के साथ करीब 25 यात्री भी जिंदा जल गए। ये घटना बुलढाणा के सिंधखेड़ में राजा शहर के पास समृद्ध महामार्ग एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है। हादसा रात करीब 2 बजे के आसपास का है। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और साथ ही हादसे में जख्मी लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घायलों की संख्या 5 से 8 बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस एक खंभे से जा टकराई। इसके बाद वो एक डिवाइडर से जा भिड़ी, जिससे बस में तुरंत आग लग गई। लोगों को बस से निकलने का मौका नहीं मिल पाया। किसी तरह कुछ लोग ही बस से बाहर निकल पाए हैं। पुलिस के अनुसार हादसे के वक्त बस में करीब 33 यात्री सवार थे। हालांकि बस का ड्राइवर सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे के कारण रास्ता बाधित हो गया। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे को फिर से शुरू करवाने की कोशिश कर रही है। इस तरह है कि ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को, ये विदर्भ ट्रैवल बस है और ये आज सुबह 1:35 पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंधखेड़ राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उसको टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उससे जाकर टकराई है। और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। उसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं, किसी तरह कोशिश करके अपनी जान बचा दी, लेकिन बदकिस्मती से 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और ये मौत एक्सीडेंट से ज़्यादा जलने से मौत हो गई है, बिकॉज ऑल द बॉडीज आर चार्ज बैटरी चार्ज। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि अब तक झुलसे यात्रियों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं खबरों की माने तो अब इस हादसे में मृत लोगों के शवों का डीएनए सैंपल लेकर जांच की जाएगी। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों की पहचान मुमकिन है। इसके बाद ही सभी शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस बाईं तरफ पलटी, जिससे बस का दरवाजा नीचे आ गया। ऐसे में उसमें सवार लोग बाहर नहीं निकल सके। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के दौरान बस से बड़ी मात्रा में डीजल सड़क पर फैल गया। डीजल के फैलने के कारण ही बस में आग लग गई। गौर हो कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के 390 गांव तक 10 जिलों से होकर गुजरता है। इससे मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया है। ये भी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, जिसकी घोषणा 2015 में की गई थी और इसकी जमीन अधिग्रहण का काम 2017 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।